हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप किस किस एक्ट के अंदर आती है। इसमें हम दो एक्ट के बारे में पढ़ के चलेंगे, 1932 एक्ट और 2008 एक्ट। तो सबसे पहले हम करते हैं 1932 एक्ट। पार्टनरशिप फर्म इसमें फॉर्म की जाती है, जो इसमें नॉर्मली पहले की जाती थी। 1932 में बना था एक्ट, बाद में 2008 एक्ट बना है। 1932 में क्या था कि जो पार्टनरशिप फर्म बनती थी उसमें जो पार्टनर्स होते थे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जब पार्टनरशिप फर्म बैंकरप्सी हो जाती है तो उस टाइम पे जो लायबिलिटी होती है फर्म की, वो सारी की सारी पार्टनर्स को पे करनी पड़ती है अपनी पर्सनल असेट्स को बेचकर। लेकिन बाद में 2008 एक्ट के अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया, उसके अंदर जब रजिस्टर्ड करवाएगा फर्म को तो वो LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंडर आई। इसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी थी वो लिमिटेड थी। लिमिटेड का मतलब क्या है कि अगर फर्म बैंकरप्सी हो जाती है तो उस केस में जो पार्टनर्स होते हैं उनको अपनी पर्सनल असेट्स बेचकर फर्म की लायबिलिटी पे करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए इसमें जो रिस्क होता है पार्टनर्स को वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो सिर्फ उनकी, मतलब जितना उनका कंट्रीब्यूशन होता है वहीं तक लिमिटेड होती है। पर्सनल असेट्स तक सेल नहीं कर सकते फर्म है जो अपने पार्टनर्स की। लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि जितनी भी बैंकरप्सी के कारण लायबिलिटी बनती है फर्म की, वो सारी की सारी पार्टनर्स को पे करनी पड़ती है, चाहे वो पार्टनर्स अपनी पर्सनल असेट्स को बेच के क्यों ना करें। इसलिए पार्टनर्स को यहाँ पर ज़्यादा रिस्क होता है। नो सेपरेट एंटिटी, मतलब कि जब पार्टनरशिप फर्म होती है और जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो एंटिटी, जो उनकी पहचान मानते हैं, वो एक ही मानी जाती है। किसके अंदर? पार्टनरशिप 1932 एक्ट के अंदर। मतलब कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को अलग नहीं मानते। तो जो भी लायबिलिटी या जो भी पेमेंट होती है वो सारी की सारी पार्टनर्स को पे करनी पड़ती है, होती फर्म की है लेकिन पे पार्टनर्स को करनी पड़ती है। इसमें कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं मानते कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग हैं। लेकिन 2008 के अंदर जो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनको सेपरेट एंटिटी मानना है, कि जो ट्रांजेक्शन्स पार्टनर की हैं वो पार्टनर के नाम से, जो फर्म की है वो फर्म के नाम से जाएंगी। यहाँ पे 1932 के अंडर फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल होता है, कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन अगर फर्म अपने आप को 2008 एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड करवाएगी तभी वो LLP के अंडर मानी जाएगी कि फर्म है जो LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, अदरवाइज़ वो LLP की कैटेगरी में नहीं आ पाएगी। जो 1932 एक्ट के अंडर पार्टनरशिप बनाई जाती है ये एग्रीमेंट के तहत आती है। पार्टनर्स आपस में मिलते हैं और एग्रीमेंट करती हैं, फिर पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। लेकिन LLP बनाने के लिए ला के अंडर रजिस्ट्रेशन होना, ला के द्वारा क्रिएशन होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो पार्टनरशिप होती है उनका परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। अगर कोई पार्टनर की डेथ होती है या फिर कोई पार्टनर्स अनसाउंड माइंड या कोई भी रीज़न से पार्टनर छोड़ के चला जाता है पार्टनरशिप फर्म को, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो बंद हो जाती है। लेकिन इस केस में LLP के केस में परपेचुअल सक्सेशन होता है, कि पार्टनर्स आएँ या पार्टनर्स जाएँ सक्सेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंटिन्यू चलती रहती है जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है। पार्टनरशिप फर्म 1932 एक्ट के अंदर कम से कम दो मेंबर का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक मेंबर होगा तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में चला जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप की कमियों को दूर करने के लिए ही तो पार्टनरशिप फर्म बनी है, तो इसलिए कम से कम इसमें दो मेंबर्स का होना ज़रूरी है और मैक्सिमम इसमें 50 मेंबर्स हो सकते हैं। और LLP के केस में मिनिमम दो मेंबर्स का होना ज़रूरी है और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आई हैं, वीडियो समझ में आई हैं, तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।